हेलो 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 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब कैसा चल रहा है चलिए आप पीछे देख ही रहे होंगे आज फिर पढ़ा नहीं रही हूँ मैं एक्चुअली आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कस करना है एक्चुअली आज एक ट्वेल्थ क्लास की लड़की मुझे मिली मैंने उससे पूछा कि एक न्यू अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने रिलेटेड टू जॉब तो पता है तुम्हें शि सेंग के शिव सेंगे नहीं पता मैम आप बना दो वीडियो वैसे भी मैं आपको फॉलो कर रही हूँ लगातार तो इस चक्कर में वीडियो बनाने का मन किया फिर देखा कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता है तो अब समझ लेते हैं किसके बारे में बात करें हम बात करें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ़ोकस करेंगे आफ्टर ट्वेल्थ आपके पास जॉब का रहता है इशू खासकर वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहते हैं कोचिंग्स में ट्राई करते हैं फॉर एसएससी रेलवे बैंकिंग और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं लिटरली आपको फॉर्म के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है दुनिया भर का पैसा बर्बाद होता है आपका उसके बाद आपको फिर खुद ही सर्व करना पड़ता है कब हमारा एग्ज़ाम uh, की डेट आ रही है ठीक है उसके बाद आप एडमिट कार्ड के पीछे भागते हैं कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फिर आप सेंटर के लिए जाते हैं और खासकर रेलवे तो इतना दूर पटकता है आपको जाकर कि लड़कियाँ जा ही नहीं पाती अभी लड़कियाँ देना ही नहीं चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि सेंटर बहुत दूर जाने वाला है ठीक है और बैंक में आप देखते हैं कि वो सेंटर पकड़ते हैं जहाँ पर कंप्यूटर हो ठीक है दूर होता है ज़्यादातर ऐसे कॉलेजेस चुने जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा हो तो अब बहुत सारी झंझट था पहले उसे गवर्नमेंट ने ईजी कर दिया बच्चों क्या किया उन्होंने ये सारे एग्ज़ाम ये अभी तो तीन ही उन्होंने इंक्लूड किए हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये क्या है बच्चों ये एक इस तरीके का टेस्ट है जिसमें एक बार आपको ये एग्ज़ाम देना है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तीन साल तक वैलिड रहेगा स्टूडेंट्स कितने ईयर्स तक रहेगा थ्री ईयर्स तीन साल तक आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसको आप दिखाकर अपने लिए जॉब पा सकते हैं ठीक है पहली चीज दूसरी ये जो टेस्ट होगा साल में दो बार होगा ठीक है साल में दो बार होगा किन के लिए हो रहा है इन तीन एजेंसीज के लिए हो रहा है एसएससी, रेलवे बैंक अभी इसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है पहले वो प्रायोरिटी देखेंगे कि कैसा जा रहा है बच्चे कैसा आ, कर पा रहे हैं इसमें और ये 2021 से शुरू होगा बच्चों इस साल नहीं इन 2021 वी विल गोइंग टू फेस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अच्छा है क्यों अच्छा है मेरे मैं बताती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ अच्छा है उससे पहले हम समझ लेते हैं कौन सी एजेंसी इसको करवा रही है एक्चुअली ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको करा रही है ये जो एजेंसी है ये कमेटी है एक तरीके की जिसमें एडुकेशन डिपार्टमेंट के आ, लोग रहते हैं और वो फिर फोकस करते हैं कि हमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे लेना है ठीक है ये डिसाइड करेगी वो एक बढ़िया बात ये है कि अभी तक टेस्ट ना सिर्फ दो लैंग्वेज में तो होते थे स्टूडेंट्स एक हिंदी और इंग्लिश अब इसे रीजनल लैंग्वेज में भी लाया जा रहा है मतलब 22 लैंग्वेज हमारी इंडिया में ऑथराइज है मतलब 22 लैंग्वेज हमारी इंडियन संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिली हुई है ठीक है वो 22 लैंग्वेज में आपको पेपर मिल सकता है मीन्स जो गुजराती का है गुजरात का है गुजराती बोलता है और पढ़ सकता है तो वो उसमें भी एग्जाम दे सकता है ये एक बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है मीन्स हमारी संस्कृति को गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है इनहेंस कर रही है बहुत ही अच्छा है चलिए तो इतना तो हमने कर लिया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी हमें समझ में आ गया है कि भाई एक साल एक साल में दो टेस्ट वो करवा रहा है दो से तीन भी करवा सकता है इट डिपेंड्स ऑन द भीड़ विच इज़ कमिंग समझ रहे हैं कितनी भीड़ है आपको तो पता ही है एग्जाम्स में जाते वक्त आप देखते ही होंगे अच्छा अब देखिए ये तीन साल का है ये सारी बातें हो गई कई लोग इसको बोल रहे हैं अरे ये तो बेकार है बहुत भीड़ जाएगी ये वो बिल्कुल बेकार नहीं है बच्चों बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है आप ध्यान से देखिए पहले तो हमारा वो झंझट कट गया जिसमें आप इंतजार करते थे कि हमारे पास कॉल लेटर आएगा और आता नहीं था फिर आप इंतज़ार करते थे कि ऑनलाइन आप आ, देखेंगे कब एडमिट कार्ड आ रहा है वो झंझट कट गया बहुत सारी चीज़ों का झंझट हमारे हाथ से निकल गया अब हमारे पास एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमनली सबको पता होगा उसके बारे में मिस नहीं होगा एग्जाम आपसे सेंटर पास में रखे जाएंगे बोला ही गया है कि सेंटर पास में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ठीक है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो वैसे भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार आपने देखा होगा हम लोग जो एस के लिए जाते हैं जिनको पता होगा कि एस में थ्री लेवल कर दिया गया था ठीक है पहले प्रिलिम्स देंगे फिर आप मेंस देंगे दुनिया भर का लिखवाएंगे फिर आपसे इंटरव्यू दिलवाएंगे फिर आपको एंट्री देंगे तो ये सब खत्म करके उन्होंने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है आपको उसको क्लियर करना है अकॉर्डिंग टू नंबर आपका प्लेसमेंट है जितना बढ़िया नंबर उतनी अच्छी पोस्ट तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई मुझे क्यों पसंद आया पर्सनली uh, पहले तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जब आप एक चीज देने जाते हैं आप एस देने जाते हैं आपने ध्यान दिया होगा किसी किसी में करंट अफेयर ज्यादा पूछते हैं किसी में स्टेटिक ज्यादा पूछते हैं स्टेटिक जी तो आप देखते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है एक्सट्रीम लेवल का पढ़ना पड़ता है कुछ चीजें कॉमन है, है कुछ चीजें अलग है हैं बैंक में बैंक से रिलेटेड दुनिया भर का आपसे करंट अफेयर पूछ लेते हैं है ना तो आपको पढ़ना बहुत पड़ रहा था सिलेबस सब हट गया भाई आपको इसके लिए पढ़ना है इसके लिए बुक खरीदनी है ये जो कह रहा है वो करना है ठीक है तो ये कट गया आपका सिलेबस थोड़ा नैरो हो गया है अब आपके पास एक मछली की आंख है तीर आपको चलाना है समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या क्या करती है बाकी एज लिमिट का आपको पता ही एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है तो प्रेफरेंस रहती है और जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं वो तो सब अपनी जगह पे हैं ही वो तो सब वर्क करेंगी जैसे होता ही है ठीक है और एक और न्यूज़ आई थी पहले एम वालों के लिए कुछ दिन पहले ही कि एम uh, में uh, जो बाहर के लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे एमपी गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होगा बाकी अगर आप इंजीनियरिंग की बोलें आप नीट की बोलें या बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो वैसे के वैसे होते रहेंगे स्टूडेंट उससे इसका रिलेशन नहीं है सिर्फ तीन चीजों का इसका रिलेशन है ये तीन ओके okay, स्टूडेंट्स ये तीन बस इसके अलावा बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं आपका नीट जेई जो भी आपके एग्जाम है वो वैसे के वैसे होंगे उसके लिए आपको वैसे वैसे कि वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा बढ़िया लगा होगा आपके फ्यूचर के लिए है जो लोग ट्वेल्थ में है एलेवेंथ में है उनके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है आप समझ लीजिए कि आपको सी निकालना है तब बढ़ना है और अब कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा सा धांधली भी कम होगी जो एग्ज़ाम्स में होती है ज़्यादातर वो सब खत्म हो जाएगा बच्चों अब आपके पास आपकी मछली की आंखें और तीर आपको चलाना है है ना तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब इट एंड ये लास्ट में कट करना पड़ेगा विद योर फ्रेंड्स बोल दिया मैंने रुक जाओ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स तो लाइक करिए सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स को इसमें प्लीज इसको शेयर करिए ताकि सारे लोगों को पता चले कि भाई अब हमारे लिए क्या नई गाइडलाइंस है और uh, कोई भी चैनल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताइए मैं उसको सुधारूंगी और किसी और के ऊपर वीडियो बनाना है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए आई विल श्योरली मेक इट थैंक यू